विद्यार्थी को केमिस्ट्री में मॉलिकुलर फॉर्मूला रटना पड़ता है, जिसमें कि काफ़ी कठिनाई होती है और उसमें कंफ्यूजन भी होता है। तो यहाँ मैं एक सेंटेंस के द्वारा बताने जा रहा हूँ जिसमें कि सिंबल और वैलेंसी साथ साथ मिलेगा, क्योंकि मॉलिकुलर फॉर्मूला के लिए सिंबल और वैलेंसी की आवश्यकता होती है। यहाँ एक सेंटेंस के द्वारा मैं यह बताने जा रहा हूँ कि इस सेंटेंस के द्वारा सिंबल और वैलेंसी दोनों साथ साथ मिल जाएगा। सेंटेंस है आ पुअर सोहन सिम्मा खन कम्स। अंडरलाइन किया गया है ए एच पी, इस तरह से अंडरलाइन किया गया है और नंबरिंग भी किया गया है 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए सीरियल नंबर 1 में है ए, ए फॉर अमोनियम, इसका सिंबल है NH4 और वैलेंसी है 1। नंबर 2 में है एच, एच फॉर हाइड्रोजन, इसका सिंबल एच और वैलेंसी 1। नंबर 3 में हम दो लेटर लेते हैं PO, PO फॉर पोटेशियम, सिंबल के वैलेंसी 1। नंबर 4 में है सोहन, SO लेते हैं, SO फॉर सोडियम, सिंबल Na वैलेंसी 1। नंबर 5 में सिंह है, SI लेते हैं, SI फॉर सिल्वर, सिंबल Ag वैलेंसी 1। नंबर 6 माखन, इसमें M ले लेते हैं, M फॉर मरकरी, सिंबल Hg वैलेंसी 1 और 2। अब यहाँ आप देख रहे हैं दो तरह का वैलेंसी है, इसके बारे में मैं अभी बाद में बताने जा रहा हूँ। नंबर 7 CO फॉर कॉपर, कॉपर का सिंबल है CU वैलेंसी 1 और 2। कुछ एलिमेंट यानी रेडिकल्स ऐसे होते हैं जिनका वैलेंसी 1 से अधिक प्रकार का होता है और ऐसे वैलेंसी को वेरिएबल वैलेंसी कहा जाता है। यहाँ भी लास्ट में जो दो एलिमेंट मरकरी और कॉपर दिया गया है, इस दोनों एलिमेंट का वैलेंसी वेरिएबल होता है 1 और 2। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं एक सेंटेंस के द्वारा हमको मिल रहा है क्या सिंबल और वैलेंसी साथ साथ, जिसमें वैलेंसी रटने की कोई आवश्यकता नहीं, वैलेंसी हमको मुफ्त में मिल रहा है। जैसे आजकल कहता है एक में एक मुफ्त, उसी तरह से मुफ्त में आपको वैलेंसी मिल रहा है, जो बाद में मॉलिकुलर फॉर्मूला बनाने में काफी सुविधा है। यहाँ एक रेडिकल्स दिया गया पॉजिटिव रेडिकल्स, तो रेडिकल्स दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। रेडिकल्स के बारे में मैं बाद में इसका डिफिनीशन लिख करके बता दूंगा। अगर मेरा वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।